यह जो आज की घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो एकदम ही बिजार एंड मिस्ट्रीज है। मिस्ट्रीज इसलिए क्योंकि जिस कृपी चीज को जिस व्यक्ति ने देखा, वो फिर इस धरती लोक में दोबारा कभी नहीं दिखा। एंड्रू डोसन नाम का एक व्यक्ति जो अपने टिकटॉक अकाउंट पे फनी वीडियो शेयर किया करता था, उसके टिकटॉक अकाउंट पे 3 लाख से भी ज्यादा फॉलोअर थे और वो रेगुलरली वीडियोज अपलोड किया करता था। 9 अप्रैल 2022 को एंड्रू डोसन अपने टिकटॉक अकाउंट पे एक वीडियो पोस्ट करता है और कैप्शन में लिखता है इट्स अ जायंट। उस वीडियो के पोस्ट करने के कुछ ही घंटे बाद वह वीडियो वायरल हो जाता है। और उसके बाद उसके साथ शुरू होती है स्ट्रेंज घटनाएं। कुछ देर के बाद एक FBI एजेंट उसको रोककर उसके साथ पूछताछ भी करता है। इस घटना के बाद इस बात की जानकारी वो अपने टिकटॉक अकाउंट पे शेयर भी करता है और कहता है कि पुलिस उसके पीछे पड़ी हुई है। तो आखिर उस वीडियो की सच्चाई क्या थी? क्या सच में वहाँ पे कोई जायंट मौजूद था या यह एक फेक वीडियो था? हैरान करने वाली बात यह है कि जायंट वाले वीडियो के पोस्ट करने के कुछ महीने के बाद एंड्रू मिसिंग हो गया और उसके बाद वह फिर कभी दिखा ही नहीं। होल थिंग, तो चलिए हम कुछ पल के लिए मान लेते हैं कि वह एक फेक वीडियो था। कुछ तो था उस माउंटेन में जो वहाँ की गवर्नमेंट वहाँ की लोगों को शायद बताना नहीं चाहती थी। उस जायंट वाले वीडियो के वायरल होने के तुरंत बाद ही उस माउंटेन के आसपास मिलिट्री बेस कैंप के हेलीकॉप्टर उड़ते हुए दिखाई दिए। So they're extracting something out of here. There's two helicopters. कुछ दिनों तक लगातार उस माउंटेन पर सर्च ऑपरेशन जारी रहा कि आखिर उस माउंटेन पे वो चीज था क्या और वो अचानक ही कहाँ गायब हो गया। और फिर आगे खतरा ना बढ़े इसलिए वहाँ की गवर्नमेंट ने, और इस बात को गुप्त रखने के लिए वहाँ की गवर्नमेंट ने उस माउंटेन को ही मिलिट्री बेस कैंप में तब्दील कर दिया। और आज तक एंड्रू डोसन का अता पता नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि वो मर गया तो कुछ लोग कहते हैं कि वो गायब हो गया, पर जो भी हो आज तक उसका अता पता नहीं चला है। होल थिंग, सबसे स्ट्रेंज और मिस्ट्रीज बात यह थी कि एंड्रू डोसन का अचानक ही कहीं गायब हो जाना। जायंट यानी कि एक विशालकाय मानव, यह मानव हमारे पृथ्वी लोक में अनंत काल से रहते आ रहे हैं। यह कोई नई बात नहीं है कि किसी व्यक्ति ने एक जायंट को देखा, जबकि हमारे भारत देश में ये जीव प्राचीन काल से रहते आ रहे हैं और इन जीवों की जानकारी हमें रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथों में देखने को मिलती है। सुग्रीव, बाली, यति, घटोत्कच ये सारे ही विशालकाय प्राणी थे जो आज भी भारत के हिमालय क्षेत्रों में कभी कभी दिखते हैं।